के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। आज सुबह 7 बजे से 291 केंद्रों में वोटिंग हो रही है। कुल 2,12,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वोटिंग के लिए सुरक्षा बल की 22 कंपनियां तैनात की गई हैं। कांग्रेस से यशोदा वर्मा है प्रत्याशी, बीजेपी से कोमल जंघेल चुनावी मैदान में है। 1,06,000 पुरुष हैं मतदाता और 1,05,000 महिला मतदाताओं की संख्या है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिसका सभी राजनीतिक दलों को, खैरागढ़ की जनता को इंतजार था, आज वो दिन आ चुका है अपने मताधिकार के प्रयोग करने का। कांग्रेस से यशोदा वर्मा, बीजेपी से कोमल जंघेल चुनावी मैदान में है। विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव से संबंधित सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 291 केंद्र बनाए गए हैं वोटिंग के लिए। कुल 2,12,000 मतदाता अपने मताधिकार का आज प्रयोग करने जा रहे हैं। खैरागढ़, जो कि अपनी रियासत के लिए जाना जाता है, और जिस तरह से स्वर्गीय विधायक देवव्रत सिंह का निधन हुआ था, उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी, उपचुनाव इस स्थिति में हो रहे हैं खैरागढ़ में। खैरागढ़ के लिए राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो तमाम तैयारियां भी उन्होंने की थी, और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है खैरागढ़ में। 291 केंद्र बनाए गए हैं वोटिंग के लिए, जहां सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। कांग्रेस से यशोदा वर्मा चुनावी मैदान में है, वहीं बीजेपी ने कोमल जंघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, और ये तस्वीर भी आई है जब तैयारियां हो रही थी वोटिंग को लेकर के, मतदान केंद्रों में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे अधिकारी। और 291 केंद्रों पर शाम 5 बजे तक आज वोटिंग होगी खैरागढ़ में, और मतदान की शुरुआत हो चुकी है खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मतदान की शुरुआत हो चुकी है, पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, और ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है, किस तरह से तैयारियां की गई है वोटिंग को लेकर, जान लेते हमारे सहयोगी अक्षय साहू हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अक्षय, सबसे पहले बताएं कि इस समय किस पोलिंग बूथ पर आप खड़े हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं मतदान को लेकर, तस्वीरें भी पहुंचाएं। जी बिल्कुल, मैं खैरागढ़ के बख्शी स्कूल के मतदान केंद्र में यहाँ पे मौजूद हूँ, और यहाँ पे तमाम बंदोबस्त प्रशासन ने कर लिए हैं, पुख्ता बंदोबस्त प्रशासन ने किए हैं, और यहाँ पर भीड़ कभी देखने को नहीं मिल रही है। अभी तक मतदाता मतदान केंद्र नहीं पहुंचे हैं। खैरागढ़ में कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 34 मतदान केंद्र अति संवेदनशील है और 18 मतदान केंद्र जो है वो संवेदनशील है। आज कुल 2,11,000 मतदाता अपने मतदान करेंगे और अपने मतदान करने का जी बिल्कुल, तो मतदान करेंगे और मताधिकार का प्रयोग भी करेंगे। अक्षय, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस पोलिंग बूथ पर कोई वीआईपी मतदाता भी है जो अपने मताधिकार का आज प्रयोग करेगा? जी नहीं, इस पोलिंग बूथ से कोई वीआईपी मतदाता आज यहां से वोट नहीं देंगे। जी अक्षय, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। तो हमारे सहयोगी अक्षय साहू बता रहे थे कि किस तरह से वोटिंग की शुरुआत हुई है। तो शुरुआती तौर पर अभी फिलहाल अधिक संख्या में मतदाता नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी, तब तमाम तरह के जो मतदाता हैं, जिनका वोटर आईडी में नाम है, जो मताधिकार के लिए प्रयुक्त हैं, वो पहुंचेंगे जरूर और वोट करेंगे।